तो दोस्तों, अगर आपके पास Redmi का डिवाइस है तो आज मैं आपको Redmi के डिवाइस में दिखाने वाला हूं कैसे कंप्यूटर कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में माउस भी कनेक्ट करके बताऊंगा कि माउस को भी कैसे यहां पे यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये टाइप सी कनेक्टर है, इस टाइप सी कनेक्टर को आपको परचेस कर लेना है। अगर आपको ये परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस कनेक्टर में इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर लेना है। ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद मोबाइल में आपको लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगाना है और लगाने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर लग चुका है। और लगने के बाद चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको एक बार यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड में आपको लाइट दिखना होगा, ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जल रहा है। तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे लाइट जलेगा। अब जैसे यहाँ पे टैप पे क्लिक करूँगा, टैप पे क्लिक करने के बाद गूगल सर्च यहाँ पे ओपन हो जाता है और कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों होम बटन है, होम बटन पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पर होम स्क्रीन में आ जाइएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे मेल का ऑप्शन मिलता है, मेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जीमेल को ओपन कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको अपने मोबाइल में वॉल्यूम अप या डाउन करना है तो उसको भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में प्लस और माइनस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, माइनस पे क्लिक कीजिएगा तो वॉल्यूम कम होगा। और साइलेंट मोड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और होम स्क्रीन पे क्लिक करके आप यहाँ पे बैक भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि मोबाइल में किसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं प्रिंट स्क्रीन पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो क्लिक करने के दौरान देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्क करते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको देख रहे हैं विंडो वाला ऑप्शन मिलेगा, विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गूगल असिस्टेंट को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और होम स्क्रीन पे क्लिक करके आप यहाँ पे बैक हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है और कीबोर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे कीबोर्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि माउस को कैसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास माउस है और इस माउस को आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस मोबाइल को अभी डिसकनेक्ट कर लेता हूँ और डिसकनेक्ट करने के बाद कीबोर्ड को यहाँ पे अलग कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास माउस दिख रहा है इस माउस को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कनेक्टर से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसमें कनेक्टर लगा लिया है और कनेक्टर लगाने के बाद मोबाइल में यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद माउस में यहाँ पर लाइट जल रहा है, इसका मतलब है कि माउस यहाँ पर मोबाइल में कनेक्ट हो चुका है। और आप यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो माउस से यूज़ करना काफ़ी आसान है, माउस से आप इजी तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को प्ले करना है वो भी आप कर सकते हैं, बैक होना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी होता है माउस से यूज़ करना। आप बैक बटन पे क्लिक करके यहाँ पे बैक हो सकते हैं और होम स्क्रीन में आ सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क करता है और आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रॉल करके आप अप और डाउन भी कर सकते हैं, सेटिंग में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।